दुर्योधन ना बड़ा चालाक था। वो गया अपने गुरु के पास और बोलने लगा, गुरु गुरु आपको पता है अर्जुन की सेना किसने अरेंज की? द्रुपद है ना, द्रुपद, द्रुपद उसका पुत्र जो आप ही का शिष्य है। दुर्योधन कह सकता था ना धृष्टद्युम्न ने अरेंज किया, पर वो जानबूझ के बोल रहा था कि द्रुपद के पुत्र ने अरेंज की है, क्योंकि एक बार द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में पिश-पिश हो गई थी। दुर्योधन जानबूझ के ऐसा बोल रहा था कि उनको क्रोध आए और वो उनको याद दिलाना चाहता था कि वो आपका दुश्मन है। आपने द्रुपद के पुत्र को इतना सब सिखाया, वो हमारे सामने खड़ा है लड़ने के लिए, भिशुम भिशुम करने के लिए। पश्यतम पांडु पुत्रानाम आचार्य महतिं च मम यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में क्या पिश-पिश हो गई थी वो जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखना। हरे कृष्णा।